जी अब्बा। हाँ भाई, और कितना शर्मिंदा कराओगे मुझे? क्या बोला ऐसा हाजी साहब को कि गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं? अंकल, अंकल। हाँ बेटा। अंकल एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। आप कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं या लोगों के लिए? जाहिर है बेटा, अल्लाह के लिए करते हैं। तो फिर बेचारे बकरे को सजा के ईद से पहले आप लोग गलियों में क्यों घुमाते? क्या गुड्डू ने सारी बातें की हैं यहाँ जी साहब के साथ? 100% अम्मी, मुझे तो एक एक अल्फाज याद है, वहीं तो था मैं। इधर आ बेटा, मैं तुझसे जरा बात करना चाह रही हूँ। इसने ना कम अकल को अक्कल दिलवाई है, तेरे पास और कोई काम नहीं है, बस छोटे भाई की चुगली करता रहता है सुबह शाम है। बेवकूफ। अम्मा ये कौन होता है दूसरों को अकल बांटने वाला? उम्र तो देखें इसकी, इज्जत करनी चाहिए ऐसे बड़ों की। करता हूँ बड़ों की इज्जत, इसलिए तो सही बात की है। एक हफ्ते बाद आपको गाड़ी की चाबी मिल जाएगी। तो भी ठीक है, निकाह भी एक हफ्ते के बाद पढ़ाया जाएगा। सब ठीक है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ अपना काम करो, जाओ। शिवता जी, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ भी ठीक नहीं है मियाँ, तुम्हारे भाई ने मुझसे वादा खिलाफी की है और तुम्हारी बहन का रिश्ता भी खतरे में पड़ गया। बाबर भाई, आप ये कैसे कर सकते हैं? तुमने मुझसे वादा किया था चाबी देने का। कौन सी चाबी की बात हो रही है यार? तुम दफा हो जाओ यहां से। सादत, ये सब क्या हो रहा है? क्यों धक्के दे रहे हो एक दूसरे को? लोग देख रहे हैं। लोग तो देखेंगे मियां, जब तुम लोगों के कॉल और फेल में तजाद होगा तो। तुमने तो कहा था कि ये लोग जहेज के हक में नहीं है। अब्बा आपके लिए हर बात जानना जरूरी नहीं होती, मैं हैंडल कर रहा हूं ना। बस मैंने एक गाड़ी बुक कराई थी, उसकी आज डिलीवरी होनी थी, उसकी चाबी मिलनी थी, लेकिन अब वो एक हफ्ता लेट हो गई है। जब डिलीवरी होगी तो मैं इनको दे दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? कोई मसला हुआ है? मुझे भी बताएं। अंबर तुम जाओ, जाके बैठो, हम आते। आपके ससुर जी गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं निकाह से पहले, जो जहेज में लिखवाई थी सादत से। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेन देन का मामला तो बड़ों का होता है अंबर, मैं क्या कह सकता हूँ? लेन देन का मामला? तुम लोगों की लव मैरिज नहीं हो रही? गुलजार, तुम अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकते? कहा तो इन्होंने मुझे यही था, तुम्हें देखते साथ ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लव एट फर्स्ट साइट? लव एट फर्स्ट साइट? तो जब तुमने पहली दफा अंबर को देखा था तुम्हें यही नजर आई थी या जहेज का इश्तेहार? क्या बदतमीजी है, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बेटे से इस लहजे में बात करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुजार भाई, इस बात का जवाब तो साउथ को देना ही पड़ेगा। देखे भाई, जो लोग जहेज के हक में नहीं होते वो भी जहेज लेते और देते रहते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम जहेज खुलम खुला लेते हैं और ये छुप के लेते हैं। ये तो मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आ गई और मैंने इसके भाई को साफ साफ अपनी डिमांड्स बता दी हैं और राजी भी हो गए, सबको दे चुके हैं, बस सिर्फ एक गाड़ी रह गई है। और अब ये सबके सामने कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद गाड़ी मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल में इस बहस को ख़त्म करते हैं, चले निकाह पढ़ाते हैं। एक मिनट, जब तक आपके बेटे की कीमत वसूल नहीं होगी आप उनका घर नहीं बसाएंगे? गुलजार, एक खुद गर्ज और लालची खानदान में अपनी बहन को ब्याह रहे हो तुम, आज जहेज पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कल को बात बात में इसका जीना हराम किया होगा इन लोगों ने। ये शादी है? ये तो कैद है। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारो मैं पछताता क्यों, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।